दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 19 दिसंबर 2023 मंगलवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। 6 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है, जिनके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आ चुकी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इनमें कुछ भर्तियाँ बिना एग्जाम बिना परीक्षा की भी निकली है। 10वीं 12वीं पास डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि किन किन 6 विभागों के अंतर्गत भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 19 दिसंबर 2023 की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, जो यहां पर इसमें फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में, SJVN जल विद्युत निगम के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस और टेक्नीशियन ITI अप्रेंटिस की 400 वैकेंसीज निकली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है 18 दिसंबर 2023 से। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 7 जनवरी 2024 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 7 जनवरी है। सैलरी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 10,000 है, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000, ITI अप्रेंटिस के लिए 7,000 है। 10वीं पास और ITI डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग और MBA से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PWBD को फीस जमा नहीं करनी होगी। फीस पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो। बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू की भर्ती है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। HP हिमाचल जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। SJVN.NIC.IN ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकली ओडिशा सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग OSSSC के अंतर्गत भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भर्ती निकली है। यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से फार्मेसिस्ट और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर MPHW के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2453 वैकेंसी यहाँ पर टोटल निकली है। इसमें फार्मेसिस्ट के लिए 1002 पद है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल के लिए 1451 वैकेंसीज निकली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर 2023 से शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 16 जनवरी है और आवेदन करने की लास्ट डेट 20 जनवरी 2024 है। एग्जाम डेट मार्च 2024 में है। सैलरी फार्मेसिस्ट के लिए 25,500 से 81,100 है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए 1,700 से 69,100 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 12th पास 7 में साइंस के और डिप्लोमा फार्मेसी या बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी से भी आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। OSSSC.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की यहाँ पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अंतर्गत NTA NHB की भर्ती है। डिप्टी डायरेक्टर सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट है। 44 वैकेंसीज निकली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट 5 जनवरी 2024 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 5 जनवरी 2024 है। सैलरी डिप्टी डायरेक्टर के लिए 56,100 से 1,77,500 है। सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए 35,400 से 1,12,400 है प्रति माह के लिए। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्टी डायरेक्टर के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष आयु सीमा है। सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 1,000 रुपये फीस है। SC ST के लिए 500। PH दिव्यांग को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। exams.nta.ac.in/NHBAs की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर की जॉब निकली है वो निकली है टीरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, THDC के अंतर्गत भर्ती है। जल विकास निगम के अंतर्गत ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 90 वैकेंसी निकली है।
10 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 7000 सैलरी है, 10वीं पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा, मेरिट से सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। KHDC.CA.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 5 नंबर की जॉब निकली है वो निकली उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, लोक सेवा आयोग UKPSC के अंतर्गत भर्ती निकली है। डेयरी सुपरवाइजर, शुगर कैन सुपरवाइजर की पोस्ट निकली है, 91 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए 14 दिसंबर से चल रहे हैं, लास्ट डेट 3 जनवरी 2024 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 3 जनवरी 2024 है। सैलरी आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। 12th डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 42 वर्ष आयु सीमा है। फीस UR OBC WS के लिए 172 है, SST के लिए 82 है, PSC या दिव्यांग के लिए 22.30 है। ऑर्फन को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। PSC.UK.GOV.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, WCD डिपार्टमेंट, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत भर्ती निकली है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO की भर्ती है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के पोस्ट के लिए 49 वैकेंसीज निकली है। इसके लिए आवेदन आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। आवेदन की स्टार्टिंग डेट 19 दिसंबर 2023 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 18 जनवरी 2024 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 20 जनवरी 2024 है। 22000 से 97000 सैलरी है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है। जनरल EWS के लिए 297.20, SST OBC MOBC के लिए 197.20, BPL PWBD के लिए 47.20 रुपये आवेदन शुल्क है। रिटर्न एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है, APSC.NIC.IN की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 19 दिसंबर 2023 मंगलवार की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।